वैसे तो बिग बॉस 2020 यानी कि बिग बॉस 14 जो है बहुत ही जल्द आगाज देने वाला है। सिर्फ 2 दिन बचे हैं बिग बॉस को शुरू होने में, लेकिन बिग बॉस 13 के कुछ ऐसे चंद कंटेस्टेंट हैं जिनकी लाइमलाइट जो है, जिनकी सुर्खियां जो है वो खत्म ही नहीं होती है। वेल, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला की। आपको बता दूं कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला दोनों ही इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं, और वजह है शहनाज गिल की फ्लाइंग किस वाली वीडियो। आखिरकार क्या है पूरा मामला, चलिए आपको बता दी हूँ। नमस्कार, मैं हरदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। आपको बता दूं यहाँ पर कि शहनाज गिल ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करी जिसमें उन्होंने क्यूटी हार्ट वाला फिल्टर जो है वो यूज किया था। अब इसके बाद जैसे ही ये वीडियो शेयर किया गया, कई लोगों ने पसंद किया, लेकिन ये सुर्खियों में तब आया जब इस बार इस वीडियो पर खुद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी रिप्लाई कर दिया। और आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला ने क्या रिप्लाई किया वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता दूं कि आखिरकार सिद्धार्थ शुक्ला को टैग क्यों किया गया था इसमें। वेल, क्योंकि शहनाज ने जब इस वीडियो को शेयर किया तो उसमें उन्होंने बोला कि थैंक यू सिद्धार्थ मुझे ये वीडियो बनाने के लिए बोलने के लिए। वेल, आपको बता दूं यहाँ पर कि सिद्धार्थ शुक्ला ने कुछ समय पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो को शेयर किया था जिसमें उन्होंने ये सेम हार्ट वाला फिल्टर जो है वो इस्तेमाल किया था, और इसके बाद उन्होंने सभी को ये चैलेंज दिया था कि आप सभी भी अपनी मतलब उम्मीद है कि आपको ये फिल्टर पसंद आया होगा। अगर आपका जवाब हाँ है तो आप सभी इस फिल्टर पर वीडियो बनाइए और मुझे मेरा नाम टैग करके शेयर कीजिए। तो शहनाज गिल ने भी कुछ ऐसा ही किया और उन्होंने उनको टैग किया और उस वीडियो को शेयर किया, जिसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने भी अपना कमेंट पर रिएक्शन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि ये बहुत ही ज्यादा क्यूट था और शुक्रिया मेरा चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए। क्या आप लोगों ने सिद्धार्थ शुक्ला का ये चैलेंज अभी तक एक्सेप्ट किया है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा, और अगर नहीं किया है तो कीजिए और सिद्धार्थ शुक्ला को टैग कीजिए। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।